चैनल पे। तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी द हॉरर गेम। तो ये है, प्रैक्टिस मोड में खेल रहे हैं हम। सोचिएगा मत कि बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ मैं, ऐसे मतलब क्या ही, बहुत ही अच्छी गेम है मतलब। लेकिन भाई साहब डर भी बहुत लगता है इसमें। कार की मिल गई हमें, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो नीचे की तरफ चलते हैं कार की लेने, कार की लगानी पड़ेगी, कार तो यहाँ है, कार तो यहाँ दूसरी तरफ है। हाँ, दूसरी तरफ कार है। वो लगता है नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ये देखिए, ये खुल गया। ये क्या मिला? वेपन की, वेपन की किस काम आती है? ये क्रॉसबो, एक क्रॉसबो एक चीज़ होती है जिससे हम ग्रैनी को बेहोश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्रॉसबो एक और काम आती है, जो गाड़ी में गैसोलीन होता है वो डालने के लिए उसमें ये काम भी आती है। तो ये तो वेपन की तो यहाँ पर शायद होगी। हाँ, यहाँ पर इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी है। भाई साहब एक बात बता दूं कि इस गेम में एक मतलब चिमकांडी, क्या बोलते हैं, चिमकांडी होती है, उससे बचकर हमें भागना पड़ता है। ग्रैनी नाम है इसका, चिमकांडी में नाम रखा है इसका चिमकांडी। तो चलिए इसको, यहाँ पर ये है वो क्रॉसबो की जगह, ये खोलते हैं। और ये देखिए क्रॉसबो मिल गया हमें, क्रॉसबो। और ओ भाई साहब क्या हो गया ये। और इसका हमें मिलेगा ये पार्ट। और अब इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप ऊपर, ये क्या है, ये कटिंग प्लेयर, ये नहीं चाहिए हमें। ये देखिए, अब वो देखिए गैसोलीन है, मैं वहाँ पर शूट करना है बिल्कुल स्ट्रीट निशाने पर। ओ देखिए भाई साहब गैसोलीन नहीं निकला भाई साहब, यहाँ पे तो ये निकला है स्क्रू ड्राइवर। इसका काम क्या मैं आपको बताता हूँ। स्क्रू ड्राइवर का काम ये है, रुकिए चलिए मैं बता दूँ स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है। जहाँ से हम आए थे वहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा। तो स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, अब हमें यहाँ से निकलना है। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। और जैसे आप नीचे आ रहे हैं, शायद यहीं पर लगना होगा मेरे को, परफेक्ट पता नहीं। हाँ, इसी जगह पर लगेगा ये। यह देखिए यहाँ पर कुछ तो मिल गया। देखिए ये नट खोलने के लिए होता है, यहाँ के नट खुलते हैं इससे। ये देखिए कुछ मिल गया, सेफ की बहुत अच्छी चीज मिल गई हमें, सेफ की। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, सेफ की हमें शायद यहाँ लगानी होती है। यस, ये खुल गया। यहाँ हमें कार बैटरी मिल गई, कार की बैटरी, कार बैटरी। तो कार में लगा देते हैं बैटरी, तो कार की बैटरी इस साइड इस पार्ट में लगेगी। ये लगा दी हमने कार बैटरी। तो इस कार से ही हमें एस्केप करना है, यही मतलब ऐसे दरवाजे से एस्केप करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, यही अच्छा रास्ता है। कार इसके पार्ट, कार के मतलब बहुत से पार्ट होते हैं जो अलग अलग, बहुत सी घर के अलग अलग जगह पर होते हैं, जहाँ पर हमें कीज ढूंढनी पड़ती है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ये देखिए हैमर मिल गया। तो हैमर किस काम आएगा, चलिए मैं बताता हूँ। तो हैमर काम आएगा, कहाँ ये क्रॉसबो है यार। तो मैं आपको बताता हूँ हैमर किस काम आएगा। ये
देखो चीजें चल रहे हैं, और एक खुला दरवाजा, ये देखिए मेरा दरवाजा एक, ये देखिए खुफिया। यहाँ पर देख की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम इसको करने वाले हैं हैमर, हैमर को प्लैंक। अब इसका क्या काम है आपको बताता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या काम है। प्लेस कर दिए इसको, अब इस पर ही हमें जाना है, और अगर इस पर नहीं जाएंगे तो हम गिर सकते हैं। बहुत ही गंदी, भाई साहब कैसे निकले हम। ये क्या है, कटिंग प्लेयर्स चाहिए। ओ माय गॉड क्या है ये, ये क्या है, गैसोलीन, गैसोलीन कैन है ये। ओ ये कहाँ से दरवाजा बंद, ओ माय गॉड मैं जेल में बंद हो गया। ओ माय गॉड बहुत गंदे तरीके से बंद हो गया मैं। अब क्या करूँ, क्या करूँ अब। हैमर, हैमर तुम्हें बाहर छोड़ा है यार, क्या बेवकूफ हूँ मैं भी। ये क्या चीज है, नीचे कुछ है, खुल गया दरवाजा लगता है, लेकिन ये चीज क्या है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ लगा है इस जैसे, ये देखिए ये भी खुल गया, अब शायद खुलेगा, ये खुल गया, खुल गया, समझ गया, चलो। और हमें बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। चलो चलो भाई सब बच गए यहाँ, तो अब हमें नीचे की साइड जाना पड़ेगा। ये गैसोलीन कैन किस काम आता है मैं आपको बता दूँ। ये गैसोलीन कैन आता है कार के, मतलब पेट्रोल भरने के लिए। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर भरते हैं पेट्रोल, यहाँ पर भरा जाता है पेट्रोल, ये देखिए ऐसे भरा जाता है पेट्रोल। पेट्रोल भरने के काम आता है गैसोलीन कैन, और ये हो गया फुल। और अब इसका काम नहीं रहा तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी बहुत जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, और अभी हमने ज़्यादा जगहों पर देखा नहीं है, और बहुत ही अच्छी जगह है ये। और ये खुल गया, और ये क्या है, तरबूज जैसा कुछ, ये खुल के कुछ था यार। ये देखिए ग्रैनी की पेंटिंग, पेंटिंग ये देखिए, ये ग्रैनी की पेंटिंग मिल गई हमें, और ये खोल गए, ये खोल गए, इसमें कुछ नहीं है। और ऊपर वाले में भी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। अब इसमें देखते हैं, शायद से कुछ में हो, और सब ये भी पूरा खाली पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है। और इसमें कुछ नहीं, चलिए अब ऊपर की साइड चलते हैं। अभी हमने पूरी जगह देखी नहीं है, यहाँ की कुछ भी नहीं है, चलो बंद करते हैं। ओ और ये चल पड़ा, और ये देखिए क्या, ये कुछ भी नहीं हुआ सब। और ये क्या है, ब्रांच, ब्रांच का काम है, पता नहीं, हमने नहीं पता ब्रांच का क्या काम है। ये देखिए ग्रैनी की पेंटिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्या काम आती है। अब ये ग्रैनी की पेंटिंग आपको काम आती है, यहाँ इस जगह, ये देखिए, ये देखिए मैंने लगा दी पेंटिंग। और आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं चढ़ सकता, आप कैसे भी कोशिश कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चढ़ना है, और अगर आप ऐसे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप ऐसे नीचे नहीं चढ़ पाएंगे। आपको ऐसे ऐसे करते जाना है, ऐसे 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 और ऐसे, और अगर आप उठेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए कहाँ पर पहुँच गए आप। तो अभी हम इसको गिरा देते नीचे,
स्किल क्या चाहिए? कटिंग पीस चाहिए मेरे को लगता है। तो इसके साउंड से आपको थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं भाई साहब। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं। यहाँ स्पार्क प्लग कुछ ऐसा है इसमें, और इसमें बुक और ये पेंटिंग है। पेंटिंग का पीस ले लेते हैं हम। तो पेंटिंग का पीस ले लिया है। तो वैसे फ़िलहाल हम मतलब जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे मोड में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मोड में खेल रहे हैं। प्रैक्टिस में तभी ग्रैनी नहीं आ रही, वरना अगर दूसरे मोड में खेलेंगे हम तो आपको पता ही क्या होगा। तो अभी तो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसे। कूग व्हील ऐसा कुछ है। चलो ये कूग व्हील मैं आपको बताता हूँ किस काम आता है। ये देखिए आप इससे पार जा सकते हैं, मतलब हर खिड़की से पार नहीं जा सकते, सिर्फ ये खिड़की है जिससे आप पार। प्ले हाउस की पता नहीं कहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर भी कुछ शायद कुछ मिल सकता है। यहाँ पर हमें शॉर्ट गन का पार्ट है, और ये इस घर का नक्शा, और कुछ और भी है। और ये देखिए, वैसे तो मैं नहीं निकल पाया हूँ कभी इस घर से बाहर। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना दूँ इससे, आज इस गेम पर एक वीडियो बनाए, तो सोचा बना दिया भाई साहब। इस मतलब इस क्या बोलते इस गेट से भी आप एस्केप कर सकते हैं। इस अगर आप इस घर के बाहर पहुंच गए तो बहुत अच्छा, तो आप घर से बाहर निकल गए। मतलब आपको इस घर से बाहर निकलना होता है उस चिमकांडी की नज़रों में आए बिना, बहुत फिर वो बैट से मार देती है अगर आप एस्केप ना कर पाए तो। फिर वो पकड़ लेती है, हमें ढूंढती रहती है, फिर जब पकड़ में आए तो मार देती है। चलिए तो हैमर, मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ घोटाला लगता है, गड़बड़ घोटाला कुछ ऐसा। यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे को शॉटगन का पार्ट, और इसमें देखने क्या है, और इसमें भी कुछ नहीं है। और ये क्या चीज, कुछ चीज है यहाँ। ये दरवाजा खुलता नहीं है। कटिंग ये क्या है, यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर स्पेशल की चाहिए, स्पेशल की होती है एक। मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, कूग व्हील में आपको बताता हूँ कहाँ पर लगता है। कूग व्हील में आपको बताना भूल गया, तो कूग व्हील मैं भी भूल गया भाई साहब कहाँ पर लगाना है। शायद कि वहाँ हाँ मुझे याद आ गया। तो चलिए जहाँ पर ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये खून का निशान जो भी बना है, हाथ का निशान, ग्रहणी का निशान, मतलब जिसका भी निशान है ये है। यहाँ से आप सिर्फ पार जा सकते, सिर्फ यहाँ से और किसी जगह से नहीं। और आपको इसके अंदर जाना है, इसके लिए आपको चाहिए प्ले हाउस की चाहिए आपको एक, उसके बिना आप इसके अंदर नहीं जा सकते। और इसके अंदर जाने के बाद ये कूग व्हील अंदर लगा देते हैं, तो इसके फेंक देते हैं जरा यहीं पर। तो और चलते हैं बाहर की तरफ, चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से निपट जा रहा है सब कुछ, लेकिन अभी जो गाड़ी की मोटर है वो चाहिए आगे की तरफ, आगे की तरफ चाहिए वो मोटर। और ये देखिए ये भी खुफिया दरवाजा एक, यहाँ पर क्या मिला हमें, रिमोट कंट्रोल। ये रिमोट कंट्रोल मैं आपको बता दूँ किस काम आता है। अब हम जरा इससे बाहर चले जाते हैं,
बहुत ही अच्छा है ये उस गेट के पास लगता है, ये स्क्रीन स्क्रीन है मतलब रिमोट कंट्रोल, क्या बोलते हैं इसे, रिमोट कंट्रोल जो भी है, ये इस दरवाजे पर लगता है यहाँ पर। ये देखिए, अब देखिए थोड़ी देर, ये देखिए अब खुलेगा, ये दरवाजा खुल गया। यहाँ पर क्या है, ये देखिए पेपर स्प्रे होता है, ये पेपर स्प्रे कहते हैं इसे, और ये ग्रैनी की आंखों पर मारे तो वो मतलब झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है, तो ऐसे छिड़कते हैं इसे, ऐसे छिड़कते हैं ये ऐसे, और ये ख़त्म भी हो जाता है। ये देखिए इट इज़ एम्प्टी लिखा हुआ है, तो अब इसे फेंक देते हैं। तो चलिए उस दरवाजे पर तो जाना पड़ेगा ना, अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस मोड में खेलने पर बहुत मजा आएगा सब, और जिन बंदों को खेलना नहीं आते ना वो इस मोड में खेल सकते हैं, बहुत मजा आएगा उन्हें, और ये गेम उन्हें बोरिंग भी नहीं लगेगी। और ये देखिए मैंने गेट खोल दिया, हैमर चाहिए इसके लिए, ये खुल गया, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से, ये कुछ है नहीं, कुछ नहीं क्योंकि क्रो है ना, इसके पास कुछ है क्या भी तेरे पास? अरे यार इसको मीट डालना पड़ता है ना, ये तभी मारता है, वरना ये पार नहीं जाने देता हमें। अब देखिए क्या करेगा, थोड़ी देर में देखिएगा। अब देखिए अगर हम इसे टच करेंगे तो ये चोंच मारता है, ये देखिए चोंच मारता है ये, और ये भी रास्ता है। इस रास्ते पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे पानी पूनी है। अभी इस रास्ते पर क्या है ये तो मुझे पता नहीं, चलिए हैमर लेके आते हैं फिर पता करते हैं। तो हैमर लाना पड़ेगा उसके लिए, और ये देखिए ये भी एक खुफिया रास्ता, मैंने आपको बताया नहीं। ये देखिए इसको आप ऐसे हटा सकते हैं, मतलब खुद भी आके और ऐसे हटा सकते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे हटा सकते हैं और ऐसे अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ है, विंच हैंडल बोलते हैं, विंच हैंडल पता नहीं किस काम आता है ये। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आपको ये लकड़ी से दिख रही है, इस पर टच करना, और ये देखिए कमाल, अबे खुल ना जल्दी खुल, अबे खुल गया। देखिए यहाँ पर ये टैडी है, कुछ ऐसा टैडी, इसको रख देते हैं चलिए। वरना ये ग्रैनी की जो मतलब पोती थी उसका था ये टैडी, मैंने इसकी कहानी देखी है। बोलते हैं कई यूट्यूबर कि ये जो टैडी है ये ग्रैनी ग्रैनी की मतलब क्या बोलते हैं इसे, ग्रैंड डॉटर का था। तो भाई साहब मैं तो एस्केप नहीं कर पाऊंगा कभी भी, बस मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो डाल दूं, तो मैंने डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे मोड में खेलने पर क्या होता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है, आप डर जाएंगे इसे खेलकर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ है ऐसा, कुछ कुछ तो है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। अब मैं दूसरे मोड में आपको खेल के दिखाता हूँ। देखिए अब आप इसे मेन मेन्यू, आप इसमें सेंसिटिविटी कर सकते हैं, सेंसिटिविटी से क्या होगा, ये देखिए वो बहुत फास्ट मूव करने लगेगा, और अगर आप लो कर देंगे, अब देखिए अब ये ज़्यादा मुड़ नहीं रहा, मैं पूरा जोर दे रहा हूँ लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है, ये फ़ायदा है। तो मैं इसको सिर्फ आधे पर रखूँगा, इसके लिए अच्छा हो जाए। देखिए तो अब आपको दूसरे मोड में खेल के दिखाता हूँ, मेन मेन्यू में चलते हैं, ठीक है मेन मेन्यू में। ये देखिए म्यूजिक बहुत है इसका, और अब आपको म्यूजिक नहीं दिखाते हैं। तो अब देखिए प्रैक्टिस में नहीं, अब नॉर्मल में खेलेंगे, और इसमें रखेंगे मीडियम। तो चलिए अब आएगी ग्रैनी, आपको दिखाऊंगा, बहुत भूतिया है यार, बहुत ही मतलब डर लगता है भाई साहब। अब देखिएगा डे वन आ चुका है, डे वन आ गया है अब।
अब स्टार्ट होगी हमारी गेम, तो मैं इसमें खेलूंगा नहीं, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। तो ये देखिए ये आ गए, आप सोच रहे हैं यहाँ क्या है, ये देखिए अब देखिए ग्रैनी आएगी थोड़ी ही देर में, इसके पास चला जाता हूँ। अरे देखिए मैंने गिराया, अब आएगी ग्रैनी, आ गई आ गई। मतलब इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं होती इसकी मूवमेंट स्पीड, लेकिन भाई साहब अगर आप एक्सट्रीम खेलेंगे तो बहुत मूवमेंट स्पीड होगी इसकी। भाई साहब देखो क्या भयंकर हंस रही है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इससे। अब ये देखिए ये टन की आवाज़ आपको सुनाई दी ना, ये टन की आवाज़ मतलब ये कुछ जाल फेंकती है उसका होता है, कुछ जाल होता है इसका। वो देखिए वो आ गई, क्या बुढ़ी सी है यार। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे रिएक्शन होता है इसका। मेरे को तो बहुत डर लगा जब मैंने पहली बार खेला। अभी पहले जाल छोड़ती है फिर चली जाती है कहीं पर। ये मैंने गिराया भाई की गिरानी, वो देखो वो आ गई। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है तंग करने में से, आपको कैसे लगेगा। अब देखिए मैं मरता हूँ उसके हाथ में जाके बाहर, अब देखिएगा मैं बस ये राउंड खेलूंगा। माय गॉड देखो भाई साहब कैसे भयंकर हंस रही है। तो ठीक है भाई लोग, जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करे, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे भाई लोग, बहुत ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे। तो भाई लोग ठीक है, तो एक बार ग्रैनी के हाथ मर जाते हैं, ठीक है आपके लिए मर दो, ड्रॉप करते हैं इसे और चलिए नीचे छिप जाते हैं। ओके वैसे मुझे तो भूतिया लगती है ये बहुत गेम, तो ज़्यादा मैं इसे खेलता नहीं हूँ। देखिए भाई साहब कैसे भयंकर ऐसे ही है, कुछ इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है तभी ये, देखिए कुछ गड़बड़ घोटाला है इसके दिमाग में तभी आ नहीं रही है। क्या हो रहा भाई से, अब तो बढ़ेंगे हम। वो आ गई, वो अब देखो ना भाई साहब मर जाऊं। तो ठीक है भाई लोग, जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं वो लाइक कर दें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।